साथियों नमस्कार। आप लोगों ने सुना होगा एक कवि के मुंह से कि ज्यादा भगवान को याद करोगे तो शायद भगवान तुम्हें याद कर लेंगे। इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने जीता जागता दिखा रहा हूं, जो अखबारों में चल रहा है। और आपको बता दें कि कल जो पूरा भारत राममय हुआ था और खूब बढ़ चढ़ के लोग दिखा रहे थे कि राम भक्त हम हैं, और राम भक्त दिखाने के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए। यह मामला माणा थाना क्षेत्र रेंज मिलान का है, जहां डीजे पे चढ़ के वह व्यक्ति अपने आप को राम भगवान का भक्त बन रहा था और उसी वक्त वह भक्ति गायब हो गई और 11,000 वोल्टेज का करंट लगा और उसी वक्त जीवन समाप्त कर लिया। और वह तकलीफ अपने माँ बाप को जीवन भर देकर चला गया। हम किसी का कोई विरोध नहीं करते, हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भक्ति रखिए, अपने आत्मा में रखिए, अपने दिल से मानिए, दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर एक कहावत जो सिंगरौली में कही जाती है, मुंह में राम पेट में कसाई, तो इसका भी एक उदाहरण है कि हम उस भीड़ का हिस्सा बनकर राम भगवान तमाम सारे भगवानों का नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो भीड़ खत्म होती है और फिर वह माँ बहन की गाड़ियों के साथ 100 की स्पीड में कार गाड़ियों की कान मुरते हुए जाते हैं। इस तरह का चल रहा है राम भक्ति। और एक नैरेटिव बहुत भयानक फैलाई गई कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिल्कुल लाइए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा ही सहारा बहारा बहे हुए पैसे को लाते तो शायद उन व्यक्तियों के, उन गरीबों के, उन पीड़ित व्यक्तियों के दिल से आवाज निकलती, दुआएं निकलती, जो काफी उम्मीद के साथ उस सहारा बैंक में पैसे रखे थे। किसी ने यह उम्मीद रखा था कि शायद बुरा स्थिति आएगा तो उस पैसे से अपना काम चलाएंगे, किसी ने यह उम्मीद करके रखा था कि उस पैसे से बच्चों की शादी करेंगे, कोई यह उम्मीद करके रखा था कि हम उस पैसे से बच्चों का भविष्य बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से वह पैसा डूबा, लोगों ने उम्मीद तोड़ चुके हैं। जब यह चुनाव विधानसभा का आया, भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त बोले कि हम सहारा का पैसा किस्तों में 45 दिन के अंदर डालेंगे, आप लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन चुनाव भी किया, किसी के खाते में रुपए नहीं आए आए तो सिर्फ एक नैरेटिव और एक ढोंग जो राम भगवान के नाम से ढोंग किया जा रहा है। यह बात हमारी बुरा लग सकती है लेकिन एक सच्चाई है। आप गौर कीजिएगा मेरे बातों से। नमस्कार।